Hello students, today we are going to start our chapter number 9, that is the comparing quantities. Chapter number 9, comparing quantities. As its name indicates itself that we are going to compare टू और थ्री क्वांटिटीज, राइट। हम किसी भी दो चीजों को आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बट इन द केस ऑफ मैथ्स वी विल कंपेयर टू थिंग्स ऑफ द सिमिलर और ऑफ द सेम यूनिट्स। यानी कि अगर हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरे सब्सटेंस के भी हम टाइम को ही कंपेयर करेंगे। ऐसे नहीं कि इसका हम टाइम ले रहे हैं और यहां पर हम साइज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। इफ यू आर टेकिंग हियर डिस्टेंस of one object, then here also we will compare the distance of another object. Okay, we will compare the distance only. Means उनकी जो units हैं, किसी भी दो substances की जो units हैं वो same होनी चाहिए, तभी उनके बीच में क्या हो सकता है, comparison. Now one question must be arising in your mind that what are the application of this chapter. हम इस chapter को पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे, we'll do the solutions also, but why it is needed? Yes, it is needed. Like if two students are standing over there, you will compare their heights. You can easily compare their heights that one this one is smaller and this one is longer. Fine. So हम heights को comparison कर सकते हैं, हम weight का comparison कर सकते हैं, हम टू सिटीज के डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं, वी आर हैविंग टू प्रोडक्ट्स, हमारे पास टू प्रोडक्ट्स है, टू चॉकलेट्स आर देयर, लेट अस से दो चॉकलेट्स है, एक पे अलग डिस्काउंट है, एक पे अलग डिस्काउंट है, तो हम कौन सा परचेज करेंगे जिसका हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता होगा। यानी कि हमने दोनों के डिस्काउंट को क्या किया, कंपेयर किया, और दोनों ही क्वांटिटीज क्या थी, चॉकलेट्स थी, राइट। तो सेम चीजें थी दोनों, दोनों ही चॉकलेट्स थी। ऐसा तो हमने नहीं किया लाइक वन फ्रूट बॉटल इज देयर, फ्रूट जूस बॉटल इज देयर, अनदर वन इज अ चॉकलेट एंड नाउ वी आर कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ दोज टू थिंग्स। दिस इज द रॉन्ग मेथड। वी विल कंपेयर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट्स ओनली, जिनकी यूनिट्स क्या होंगी, बिल्कुल सेम, उन्हीं में हम क्या करेंगे, कंपेरिजन। सो हम कैसे कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली, we will learn in this chapter. So here we go, comparing quantities. The first topic is in this is the ratio. ratio आपको पता ही होगा क्या होगा, ratio का sign क्या होता है, this colon, ये colon किसी भी दो values के बीच में अगर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ratio, right? अगर है 2:3 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम रेशियो को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, 2/3, जिसमें फर्स्ट क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर एंड द सेकेंड वन बी ऑलवेज डिनोमिनेटर, फाइन। जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा न्यूमरेटर, जिसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, और सेकेंड वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर, जिसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, रेशियो, और अगर हम इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, फ्रैक्शन में, राइट। ऑलराइट, हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, फ्रैक्शन में। चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। Let us say two ratios are given to us. The one is the 2:3 and the another one is the 16:24. Fine. हमें check करनी है क्या ये दोनों values equal हैं आपस में। Let us check. हम इसको क्या करेंगे, simplest form में convert करने की कोशिश करेंगे। Simplest form मतलब आप उसको numerator को denominator को आपस में क्या करोगे, cut करोगे और इसको simplest form में लेकर आओगे। Let us see. 2/3. अब ये फर्दर तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं डिवाइड हो सकता, 2/3 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इट विल रिमेन द सेम। हियर 16/24, राइट। अब इसको हम किससे कट कर सकते हैं, 8 के टेबल से कट कर सकते हैं, राइट। 8 2 16, 8 3
8 2 are 16 and 8 3 are 24. So it answer will be 2 by 3. See, both are equal or not. It means the, और ये वैल्यू कहां से आई है, यहां से आई है, एंड दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम हियर. इट मीन्स ये दोनों ही रेशियोज क्या हो गई आपस में, प्रपोर्शन. और प्रपोर्शन का साइन होता है डबल रेशियो का साइन. अगर हम लगा देते हैं फोर डॉट्स, अगर हम लगा देते हैं इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रपोर्शन. और इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, अब इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो, बिकॉज दोनों का आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू सेम आ रही है. तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट. क्या हो गए बच्चा, ये इक्विवेलेंट रेशियो. ओके, और इस साइन को क्या बोला था हमने, प्रोपोर्शन. क्या बोला था, प्रोपोर्शन. फाइन, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. If you will solve problem related to these question, you will be habituals of it. आप इसके habit में आ जाओगे कि ratio क्या होती है, proportion क्या होता है. तो ratio word हम use करते हैं जब हम किसी भी दो quantities को क्या करते हैं बेटा, compare करते हैं. Okay? अब एक question मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. I'm writing a question over here that the cost of three shirts is rupees 1380. Find the cost of 8 such shirts. Right? This is the question. Fine. अब आप इसको बहुत से तरीकों से निकाल सकते हो. आपने अर्लियर भी निकाले होंगे कि एक का ये है वैल्यू, तो टू की वैल्यू क्या होगी. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हम यहाँ पर न्यू चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे एंड इट विल गिव यू आंसर वेरी क्विकली. ओके, तो पहले तो हम क्वांटिटीज देखते हैं हमारे पास क्या क्या है. क्वांटिटीज में हमारे पास शर्ट्स है, यहाँ पर थर्ड शर्ट थ्री शर्ट्स की वैल्यू दे रखी है, हमसे एट शर्ट्स की वैल्यू पूछी है. राइट, तो हम पहली बात तो दोनों शर्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि थ्री रेशो एट. कर लिया हमने कंपेयर. ओके, अब प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे. अब वैल्यू देखते हैं, थ्री शर्ट की वैल्यू कितनी थी, 1380. तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1380 रेशो. अब हमें कितनी, हमें कॉस्ट निकालनी है राइट, एट शर्ट्स की. तो कॉस्ट हमने मान ली वो क्या है, एक्स. क्या मान ली हमने कॉस्ट, एक्स. तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एक्स. ओके, सी थ्री शर्ट्स हमने यहां लिख दिया, एट शर्ट की हमें निकालनी है, तो हमने इसको यहां पुट कर दिया. देन प्राइस ऑफ थ्री शर्ट्स इज 1380 एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट प्राइस ऑफ एट सच शर्ट्स. तो वी एज्यूम इट्स वैल्यू एज एक्स और हमने इसको यहां पुट कर दिया. नाउ अभी मैंने आपको जो ऊपर समझाया था, रेशियो को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. फाइन, वी विल कन्वर्ट द रेशियो इन टू द फ्रैक्शनल फॉर्म. सो थ्री रेशियो एट को हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री बाई एट. प्रपोर्शन को हमने इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट कर दिया. देन हियर 1380 एंड रेशियो डिवाइड एक्स लाइक दिस. वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू दैट इज द एक्स. एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने क्या किया यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1380 मल्टीप्लाई बाई एट. क्लियर. नाउ अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहां पर सिर्फ x को ही रखना है और जितनी भी वैल्यूज हैं हमें उसे दूसरी साइड लेके जाना है. यही करते हैं हम. सो x को हम यही रखेंगे. अब x 3 को हमें वहां पर लेके जाना है, बट उससे पहले हम चेक करेंगे 3 का यहां पर कैसे है, इसका इसके साथ कैसे रिलेशन है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है. तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. यस, सो इट विल बी 1380
80 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3, राइट। अगर आप अब इसको कट करोगे, इसको आप क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 3680। यानी कि ये क्या आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ शर्ट्स। सी इट विल बिकम सो इजी टू अस नाउ। फर्स्टली वी हैव डन द कंपैरिजन बिटवीन टू शर्ट, मतलब थ्री शर्ट्स का प्राइस क्या है 1380। वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द एट शर्ट्स, बट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, रेशियो की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। सो हमने दोनों शर्ट्स को आपस में रेशियो में रख लिया, 3 और 8। फिर हमने इनकी कॉस्ट को रेशियो में रख लिया, कॉस्ट ए की क्या है 1380, और एट शर्ट्स की वी हैव टू फाइंड इट आउट, सो अननोन वैल्यू है, तो हमने उसको क्या रख लिया, एक्स। फाइन, अब रेशियोज को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई में करने के बाद एक साइड हमें सारे वेरिएबल्स रखने हैं और दूसरे साइड सारे कांस्टेंट रखने हैं। सो वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स। सो एक्स को हमने यही रखा और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है 3। अब ये 3 यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड में, एंड हियर इज द आंसर। सो इट विल बिकम सो इजी टू यू टू फाइंड आउट द आंसर्स इफ टू रेशियोज आर कंपेयरिंग। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं अगर, सो यहां पर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम शर्ट्स के प्राइजेस को कंपेयर कर रहे हैं। सो इसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो, रेशियोज मेथड को पुट कर सकते हो। जब आप किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे तभी आप क्या करोगे, उसमें रेशियो फॉर्म में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एम आई क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ we will take one more example over here so that you can understand it properly. Our next question is, a truck covers 96 kilometer in 3 hours. Find time required by the truck to cover a distance of 180 kilometer. So this is our question. A truck is there, उसने 96 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस 3 आवर्स के अंदर। हमें पता लगाना है कि 180 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर कर लेगा, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, किसके बीच में, टाइम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, डिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इतने डिस्टेंस में इतना टाइम लगता है, तो इतने डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रेशियो की फॉर्म में वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यस और नो? सो लेट अस डू इट। सो पहले हम लिखेंगे दोनों के क्या डिस्टेंस। सो यहां पर डिस्टेंस है हमारे पास 96 और सेकेंड डिस्टेंस है हमारे पास 180। फाइन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रोपोर्शन का साइन हमें लगाना है। फिर उसके बाद 96 जो डिस्टेंस है वो कवर होता है 3 आवर्स में, तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि 180 कितना टाइम लगाएगा, तो उस टाइम को मैंने मान लिया बच्चा क्या, एक्स। क्या मान लिया मैंने उस टाइम को, एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगी तो मेरे पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसको 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम रेशियोज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो देखो मैंने क्या किया यहां पे, 96 डिवाइड बाय 180, प्रोपोर्शन की साइन की जगह मैंने लगा दिया यहां पे इक्वल टू, देन 3 बाय एक्स। और हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह क्या होता है, यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट हियर, 96 मल्टीप्लाई बाय एक्स
equal to 3 multiply by 180. Okay, so x will go here. अब हम क्या करते हैं इससे नेक्स्ट में, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रख लेते हैं. सो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, x, और वेरिएबल क्या है, 96. सो कांस्टेंट को यहीं रखेंगे, यानी कि x को हम इसी साइड में रखेंगे और 96 को दूसरी साइड में ले जाएंगे. एंड 96 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो इट विल बी लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 96. अब हम क्या कर सकते हैं, 3 के, अब इसको हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9 एंड 3 टू जा 6. अगेन 2 के टेबल से हम यहां पर कट कर सकते हैं. सो ओके, सो वी सिंप्लीफाइड इट लाइक दिस. नाउ 90 और 16 हमारे पास बच गया, सो आंसर इज 90 डिवाइड बाई 16. सो अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन वी गेट द आंसर एज 5.625 आवर्स. सो यानी कि अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये टाइम आ गया हमारे पास, है ना. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू. अ ट्रक कवर्स 96 किलोमीटर इन 3 आवर्स. एक ट्रक है जिसने कवर किया है 96 किलोमीटर कितने आवर्स में, 3 आवर्स में. अगर हम उस ट्रक को 180 किलोमीटर कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर. सो हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है दोनों क्वांटिटीज के बीच में, टाइम को टाइम से कंपेयर किया है, डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर किया है. सो डिस्टेंस इज 96, डिस्टेंस इज 180, दोनों को कंपेयर कर लिया. हियर टाइम इज 3 एंड नेक्स्ट टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने इनको साथ में लिख लिया एंड वी एज्यूम इट्स वैल्यू एज एक्स. Then we have converted the ratio into the fraction form like this. फिर हमारा next step always cross multiply, then constant one side, variables another side. We put the variable x on this side and we have taken this 96 as a constant on the another side. So by simplifying it we get the answer 90 by 16. And if we convert the 90 by 16 into the decimal, we get the answer 5.625 hours. So this is the way hum ratios ka use karke we will easily get the answers. I hope it is clear to you now. Okay students, now we will try the our exercise 9.1. So our question is, which of the following ratio is equivalent to 2:7? Equivalent ratio के लिए हम क्या करेंगे, हम simplify करेंगे, ratio को हम convert करेंगे किसमें, fraction form में. यानी कि हमें 2:7 के equal देखना है कि इनमें से कौन 2:7 के equal है, right? So हम क्या करेंगे, अब देखो पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, 6:5, हमने इसको एज यूजुअल हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 6/5. तो देखो 6/5 2/7 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट वन इज द 6:21. सी 6:21, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेशियो की फॉर्म में. तो क्या आएगा आंसर, 6/21. ओके, अब देखो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यस, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 टू जा 6 एंड 3 7 जा 21. सो आंसर क्या आ गया, 2/7. तो क्या देखो जो हमें ऊपर निकालना था 2:7, क्या वही आ गया हमारा 2/7, 2:7. यस, वही आ गया ना. तो यानी कि इस दिस वन इज आवर आंसर, क्योंकि इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या आंसर मिला, 2/7, और 2/7 मतलब 2:7, और इसी के इक्विवेलेंट वैल्यू तो हमें निकालनी थी. ओके, सो हियर वी गेट द आंसर एज 6:21 इज द आंसर. ओके, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो सॉल्व अदर क्वेश्चंस. करें आगे का क्वेश्चंस. ओके, सो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. हमें वैल्यू निकालनी है 2:4 के इक्विवेलेंट, देखना है कि इनमें से कौन है 2:4 के इक्विवेलेंट. ओके, 2:4
देखते हैं, 2:4 मतलब 2/4, ये भी तो अब सिंप्लीफाई हो सकता है ना बेटा, 1 और 2 के टेबल से क्या आ गया 1/2, यानी कि अब इनमें से किसी का भी आंसर अगर 1/2 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 14/14:24 है ना, 14:24 को अगर हम क्या करें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा आंसर 14/24, 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 7 14, ये क्या आ गया 7/12। अब 7/12 तो आंसर नहीं होता ना, सो ये क्या हो गया क्रॉस, दिस इज नॉट आवर आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है 10:16, तो देखते हैं यहां पर 10:16 इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10/16 में, सो आपको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 5 10, 2 8 16, यहां पर क्या आ गया 5/8। अब 5/8 तो 1/2 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं 14:28, यानी कि 14/28 है ना, 14 के टेबल से अगर हम देखें 14 1 14, 14 2 28, तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब देखो हमें क्या निकालना था, 1/2 ही तो निकालना था, यस और नो, 1/2 मतलब 2:4, और इसका मतलब ये इसके क्या आ गया इक्विवेलेंट वैल्यू है 1/2 के इक्विवेलेंट है, सो दिस इज अवर आंसर। सो हमें आंसर यहां पर मिल गया है 14:28, समझ में आ गया बेटा। ओके सो नाउ अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। लिसन टू मी, नोटबुक्स के अंदर आपको ऐसे ही सॉल्व करके मुझे दिखाना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके, जैसे इसको फर्स्ट पार्ट को हमने किया था, फिर सेकंड पार्ट को किया, थर्ड को भी करना है, फोर्थ को भी करना है, फिर जो करेक्ट है आंसर वो नीचे लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे, इसका सॉल्यूशन मुझे दोगे, इसका सॉल्यूशन इसका, एंड देन इसका, और फिर जो आंसर होगा उसका आप नीचे करके आंसर करके 14:28 करके लिख मुझे शो करोगे, मुझे इनका सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि आप इसको जिस सीधा टिक कर दोगे, है ना बेटा, मुझे इनका सॉल्यूशन भी चाहिए। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज 5:6, मतलब कि हमें निकालना है 5:6। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से रेशियो कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं आगे सिंप्लीफाई होते हैं, 5 और 6 किसी एक के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये सिंपलेस्ट वैल्यू हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही हो गई है हमारी। चलो देखते हैं 5/6 कौन है, अब पहले हम वैल्यू हमारे पास 10:18 करें, 10:18, अब हम किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, फ्रैक्शन में, 10/18, अब 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 5 10, 2 9 18, देखो 5/9 आंसर आ गया। क्या 5/6 5/9 इक्वल है, नहीं है, नो इट्स नॉट द आंसर, राइट। सो अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, दैट इज द 15:18, 15:18 यहाँ पर आ गया हमारा 15/18, 3 के टेबल से कट करें, 3 5 18, 3 6 18, 3 5 15 एंड 3 6 18, सो वी गेट द आंसर हियर 5/6, सो देखो हमारा आंसर आ गया 5/6, यस और नो, यानी कि ये हमारा क्या है आंसर, सो हियर द आंसर इज द 15:18। ओके बेटा सिमिलरली आपको ऐसे ही ये वैल्यूज करनी है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें आपको निकालना है 25/30 का आंसर और 5/6 का आंसर सेम है कि नहीं, ऐसे आपको ट्राई करना है ये। ओके सिमिलरली ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस, और ये देखो अभी तो हमने किया था ना कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, हमने शर्ट्स का क्वेश्चन किया था, तो आपको ये भी ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, जितने भी हैं ये आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, फाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर इन केस कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके थैंक यू सो मच।